नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर। और यहां हम लोग जो NCERT 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे थे उस न्यूमेरिकल को आगे लेकर चलते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उन दो वीडियो को जिसमें हमने 1 से 4 और फिर 4 से 8 का न्यूमेरिकल बनाया है, तो आप जाए वहां और उन वीडियोज को देखे तो आपको तीसरे चैप्टर का मतलब की 3.1 से लेकर और 3.8 तक आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। एक वीडियो में 4 तक है और अगले वीडियो में 8 तक है, तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। या हम लोग आए हैं अब नेक्स्ट 3.9 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। और हमने क्वेश्चन को फिगर पे ये बोर्ड पे बना रखा है। आप देखिए यहाँ कि एक नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में बहुत सारे रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। हमें बताना है, क्वेश्चन को देखिए आप, तो डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। हमें इस फिगर में जो नेटवर्क दिखाया गया है इसके इच ब्रांच से हमें करंट का पता लगाना है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बनने वाला है किरचॉफ्स लॉ पर। किरचॉफ्स के दो लॉज आप थ्योरम में पढ़े होंगे, उन्हीं पर आधारित यह क्वेश्चन है। किरचॉफ के दो लॉ में इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार, और उसके बाद हम लोग लूप लॉ लगाएंगे जिसमें जिसे आप किरचॉफ सेकेंड लॉ भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं। यहाँ पर एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ 10 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है और 10 ओम का है। क्वेश्चन हमारा इतना दे रखा है, एक फिगर दे रखा है और हमें प्रत्येक ब्रांच से करेंट का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो पहले आप ब्रांच का नेमिंग कर लीजिए, या ए पॉइंट अगर ले ले, या बी पॉइंट ले ले, सी ले ले और डी ले ले, फिर आप यहाँ पर ई ले ले और एफ ले ले। तो नेमिंग हो गया, अब आपका ब्रांच बन गया ए बी, बी सी, फिर डी सी और ए डी और यहाँ पर एक ई एफ। हमें इच एंड एवरी ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट का मैग्नीट्यूड बताना है। यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इससे जो करंट फ्लो होगा उसको हमने मान लिया कि वह करंट है आई। ये करंट आएगा पॉइंट ए तक, ये आई करंट पॉइंट ए तक आएगा और यहां इसको दो सर्किट मिल रहे हैं। यहां से एक सर्किट मतलब कि ए बी की तरफ है और दूसरा ए डी की तरफ है। हमने मान लिया कि आई वन करंट ऊपर चला गया ए बी के थ्रू, ए बी के थ्रू जाने वाला करंट है वह है आई वन, तो इधर आने वाला करंट बच जाएगा आपका आई माइनस आई वन। क्लियर है? ये इस सर्किट से मतलब कि एडी ब्रांच से फ्लो होने वाला आई वन इधर जा रहा था, आई वन सॉरी एबी के साथ जा रहा था आई वन, तो एडी के साथ जाएगा आई माइनस आई वन। अब देखिए आप कि आई वन जब पॉइंट बी पर पहुंचेगा, आई वन जब पॉइंट बी पर पहुंचेगा तो इसको फिर से दो सर्किट मिलेंगे। यहां मान लिया हमने इस सर्किट से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से अब हो जाएगा I1, I2 इधर आ गया तो I1 माइनस I2 करंट आएगा इस सर्किट से। अब क्लियर? अब यहां BD के थ्रू आने वाला करंट है I2, यहां AD के थ्रू आने वाला करंट है I माइनस I1, जो कुल मिलाकर इधर जाएगा I माइनस I1 ये करंट प्लस आई टू। ठीक है, अगर आप व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़े हैं तो वहां भी इसी तरह का कुछ सर्किट दिखाया गया है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रहता है, यहाँ पी क्यू आर एस इस तरह के रेसिस्टेंसेस होते हैं और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वहां भी किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार ही हुआ है। अब यहाँ आप देखें कि सर्किट में जो करंट इन कर रहा था वह आई था और सर्किट में बाहर आने वाला करंट भी आई ही बचेगा। यहाँ अब ये करंट और ये करंट को दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो I2 प्लस I2 माइनस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, I1 प्लस और I1 माइनस कैंसिल कर देगा, बच गया कौन सा करंट I। मतलब कि आपका इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर है और ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अनुसार है कि ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसी पर आधारित है और यहाँ पर ये पालन हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ का अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा,
तो धीरज रखें, आराम से सीखते जाइए, आपको मैं सिखा दूंगा। देखिए यहां हम लोग इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, इस लूप में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं और इस लूप में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। और बारी बारी से हमारे यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं, एक है हमारे पास आई, दूसरा है आई वन और तीसरा है आई टू। और हमें यहाँ पर आई वन और आई टू का मान अगर निकाल लिया तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि ए बी से कितना करंट जा रहा है आई वन, अगर बी सी से पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा आई वन माइनस आई टू, अगर ए डी से पूछेगा क्या करना पड़ेगा आई माइनस आई वन। तो सबसे मूल बात यहाँ यह है कि हमें निकालना है आई आई वन और आई टू का मैग्नीट्यूड। देखते हैं, नाउ यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इन क्लोज लूप, पहले हम लोग चलते हैं लूप ए बी डी ए, क्लोज लूप ए बी डी ए, यह हमारा क्लोज लूप। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये 10 I1, यहां का रेसिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट आप ही के डायरेक्शन में ये भी आ रहा है, मतलब कि प्लस 5 I2, और आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यहां का करंट इधर आ रहा है जबकि हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो ये माइनस में लेना पड़ेगा I माइनस आई वन इंटू 5 इक्वल टू इस वाले सर्किट में, क्लोज सर्किट ABDA में, ABDA में कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहां पर वोल्टेज 0। अब आप यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, सभी में से 5 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 2I1, 5 कॉमन ले लेते हैं, प्लस यहां 5 कॉमन ले लीजिए I2, यहां पर 5 कॉमन ले लीजिए तो माइनस आई माइनस आई वन, और जो आपने कॉमन लिया है वह 5 है, और 5 को जब इधर भेजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि आप कितना इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व कर लीजिए 2I1 प्लस I2 माइनस I और प्लस I1 इक्वल टू 0, यानी कि I1 और I1 यहां जुड़ेगा तो 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने एक इक्वेशन ला लिया। अब आते हैं फिर से क्लोज लूप बी सी डी बी में, नाउ इन क्लोज लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी दिख रहा है, बी सी डी बी, इस क्लोज लूप को आप देखें तो यहां आपको मिलने वाला है, क्लॉकवाइज में ही चलेंगे तो ये आपके डायरेक्शन में पड़ेगा, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा और ये भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा, मतलब कि वहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग लिखना, तो 5 इंटू आई वन माइनस आई टू करेंट माइनस 10 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू करेंट आई माइनस आई वन प्लस आई टू करेंट और फिर माइनस 5 इंटू आई टू करेंट इक्वल टू, यहां भी कोई सेल नहीं जुड़ा हुआ है तो वहां का भी आप पोटेंशियल 0 लिखेंगे। तो यहां से फिर से आप 5 कॉमन ले लें तो I1 माइनस I2 माइनस 2 इंटू आई माइनस आई वन प्लस I2 माइनस I2 इक्वल टू 0। यहां से जो 5 कॉमन लीजिएगा, सब में से जो आपने 5 कॉमन लिया है ये 5 इधर आ जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि आपको इतना ही बचने वाला है। अब इसको आप क्या करें, सॉल्व कर लीजिए I1 माइनस I2 माइनस 2I माइनस माइनस प्लस 2I1 और ये हो जाएगा माइनस 2I2 और ये यहां पर है माइनस I2 इक्वल टू 0। यहां देखिए आप I1 वाला वैल्यू कहीं है क्या, I1 वाला वैल्यू यहां पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, माइनस 2I और माइनस माइनस प्लस I1, यहाँ I1 था, यहां आप देखिए I1 2I1 प्लस I1 3I1, I2 वाला वैल्यू देखिए तो यहां यहां और यहां माइनस 2 1 और 1
यानी कि ये आ गया 4i2 और i वाला वैल्यू -2i इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। हमें दो इक्वेशन मिल गया है और आप अलजेब्रा में नियम जानते हैं, जितने वेरिएबल आपको होंगे उतने ही आपको इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे। यहां अब नेक्स्ट देखिए, आप अगला हम लोग लूप लेते हैं ABCFE। नाउ इन क्लोज लूप ABCFE फिर से ए पर चले जाए। इस लूप में आप देखें तो आपको यहां गुना करना पड़ेगा, यहां यहां और यहां तीन रेसिस्टेंस है, यहां पर यहां वाले हिस्से में 10i1 और आप ही के डायरेक्शन में आ रहा है वो भी, तो प्लस 5 वहां रेसिस्टेंस है, 5 करंट है i1 -i2 और फिर यहां है रेसिस्टेंस है 10 और करंट है i इक्वल टू, और यहां पर इक्वल टू 0 नहीं लेना है क्योंकि आपको इस वाले सर्किट में एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, तो यहां आप 10 लेंगे। अब यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 इसमें से और इसमें से, तो ये यहां आएगा डिवीजन में, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2i1, यहां 1 बचेगा तो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि i1 -i2 और यहां पर 5 कॉमन ले लीजिए तो 2i और ये जो 5 आप कॉमन लिए हैं, 5 जो आप कॉमन लिए हैं वो 5 इसके भाग में आएगा, तो 5 कट गया, ये आपको आ गया 2। यानी कि अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2i1 +i1 दिख रहा, हाँ दिख रहा, 2i1 +i1 3i1 और -i2 -i2 +2i इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर ये थर्ड। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है उसको देखिए, देखिए अब हम लोगों को यहां से इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करके पता लगाना है i1 और i2 का वैल्यू, तो इसको सॉल्व कीजिए। अब ये कुछ नहीं है, आपका फिजिक्स खत्म है, अब मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो गया अलजेब्रा। तो करना यहां यह है कि यहां 3i1 दिख रहा है, यहां भी 3i1 दिख रहा है, इन दोनों को अगर घटा ले आप तो आपको i1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां नाउ इक्वेशन 1 -इक्वेशन 2 करने पर इक्वेशन 1 को 2 में से घटा लीजिए या 2 को 1 में से घटा लीजिए, कोई बात नहीं है, तो 1 को ही घटा लेते हैं, तो 3i1 +i2 -i इक्वल टू 0 यह है इक्वेशन 1 और 2 नंबर इक्वेशन है 3i1 -4i2 -2i इक्वल टू 0, यहां भी 0 है इक्वल टू। अब इसको घटा लीजिए, हमें घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा और फिर आप लिख सकते हैं 4i2 और यहां पर भी i2 प्लस में दोनों, तो 5i2 और यहां पर प्लस 2i या -i यानी कि +i इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड के बाद 4। अगेन इक्वेशन 2 को 3 से घटाइए, फिर से एक बार आप घटाने का काम कीजिए, 2 को 3 से, तो फिर से एक बार i1 कटेगा और फिर i2 और i के रूप में कुछ बचने वाला है, दिख रहा है इधर दिख रहा है, चलिए अगेन इक्वेशन 2 -3 इक्वेशन 2 -इक्वेशन 3 वी गेट, तो 2 नंबर इक्वेशन है 3i1 -4i2 -2i इक्वल टू 0 और ये है 3i1 -i2 +2i 3i1 -i2 +2i इक्वल टू 2। यहां पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलिए कुछ नहीं, हमें लगा ये
कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें यहां घटाना है। चलिए घटाइए, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि आपका यह और यह कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस आई टू और ये माइनस फोर आई टू, मतलब कि ये माइनस थ्री आई टू आपको देने वाला है, और ये माइनस टू आई या माइनस टू आई, ये हो गया माइनस फोर आई और इधर माइनस टू, यानी कि सभी में से माइनस को हटा लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको बचेगा थ्री आई टू प्लस फोर आई इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर फाइव। दिख रहा है यहां पे? नहीं दिख रहा, यहां पे नहीं दिख रहा है, सेकंड लाइन। चलिए अलग लिख दे रहे हैं हम, यहां से हम लोग माइनस माइनस कॉमन लेकर इसके माइनस को आप काट देंगे, तो इस लाइन को हम लिख देते हैं इक्वेशन फोर के बाद इक्वेशन फाइव को यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं थ्री थ्री आई टू प्लस फोर आई इक्वल टू टू, इक्वेशन नंबर फोर आ चुका है और फाइव पर पहुंच गया। ठीक है, अब यहां से आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखे इक्वेशन फाइव हो गया, इक्वेशन फोर हो गया, इन दोनों को, ये आई टू और आई के रूप में आया है, तो इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन फोर को भी हम यहां लिख देते हैं। इक्वेशन फोर हम लिख देते हैं यहां कि फाइव आई टू प्लस आई इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन फोर है, अलग लिख दिए। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग आई का वैल्यू और आई टू का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आई और आई टू का वैल्यू मालूम हो जाए तो इक्वेशन वन टू थ्री किसी में से आप आई वन का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक इक्वेशन हम और रख लेते हैं आई वन को, और बाद बाकी सभी को इरेज कर देते हैं। आइए इक्वेशन वन को हम ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमारा हो जाएगा, थ्री आई वन प्लस आई टू माइनस आई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन है। ठीक है, दिख रहा है। अब यहां से देखिए, अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इसे इरेज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहां पर चार से गुणा कर लीजिए, इस इक्वेशन में चार से गुणा कर लीजिए, इस इक्वेशन में चार से मल्टीप्लाई कर लीजिए और तब इसको घटा लीजिए। नाउ इक्वेशन फाइव माइनस इक्वेशन फोर इंटू फोर, इक्वेशन फोर को फोर से गुणा करने पर और इक्वेशन फाइव के साथ घटाने पर हमें क्या मिलता है वह देखिए। इक्वेशन फाइव लिख लीजिए थ्री आई टू प्लस फोर आई इक्वल टू टू, और इसमें आप चार से गुना कर ले तो ये गुना कर लीजिए तो ट्वेंटी आई टू और फिर यहां प्लस फोर आई इक्वल टू जीरो, चार से गुना कर लेना है इसमें, और फिर आपको घटा लीजिए आप, तो घटाइए, ये हो गया थ्री आई टू और माइनस ट्वेंटी आई टू, यानी कि माइनस सेवनटीन आई टू, और ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, और यहां पर टू माइनस जीरो टू, तो I2 इक्वल टू आ गया आपको माइनस टू बाई सेवेंटीन एम्पियर, I2 का वैल्यू आया। जब I2 आ गया तो यहां से आप I निकाल लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर वी गेट, इक्वेशन फोर से हमें क्या मिलेगा देखिए, फाइव आई टू प्लस आई, तो फाइव आई टू का वैल्यू माइनस टू बाई सेवेंटीन, फाइव आई टू प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, यह हो गया माइनस टेन बाई सेवेंटीन प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉजिटिव उधर चला जाएगा, दिख रहा है, दिख रहा है।
तो यहां से आप आई का वैल्यू इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 10/17 एम्पियर। ये क्लियर है, हमें अब आई का वैल्यू पता चल गया, आई टू का वैल्यू पता चल गया। अब देखते हैं हम लोग कि हमें अब आई वन का वैल्यू कितना आता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन वी है क्या मिलने वाला है इक्वेशन वन से, तो 3 आई वन का वैल्यू पता करना है और आई टू और आई का वैल्यू मालूम है। 3 + I2 का वैल्यू है -2/17 और -I का वैल्यू है 10/17 इक्वल टू जीरो। यहां हो गया 3I1 और ये माइनस में है, ये भी माइनस में, उधर ले जाइए सबको, ये जाएगा 10/17 + 2/17 यानी कि 12/17 और यहां पर 3 से काट लीजिए 4, तो I1 इक्वल टू हो गया 4/17 एम्पियर। अब हमें क्या करना है वो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे देखिए अब करना क्या है। नाउ अगर हमसे पूछेगा, ये थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, हमें पूछा कि एबी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो एबी से I1 करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अनुसार, तो I1 का वैल्यू कितना है 4/17। आप बता दीजिए कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है 4/17, ठीक है। अगर हमसे पूछा ये है थ्रू एबी, ये हो गया थ्रू एबी ब्रांच, इस ब्रांच से अगर हमसे पूछा कि एडी ब्रांच से कितना हो गया, एडी ब्रांच के थ्रू आपका करंट फ्लो होने वाला है कितना, तो I माइनस I1। तो आपको तो अब वैल्यू मालूम ना है, I का वैल्यू मालूम है 10/17 और माइनस I1 का वैल्यू मालूम है 4/17, तो आप 10/17 - 4/17 यानी कि 6/17 एम्पियर आ गया, किस से, एडी से। इसी तरह से आप खुद से ये वैल्यू अब कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां अगर बीसी के थ्रू निकालना होगा तो I1 - I2, I1 का वैल्यू तो मालूम हो गया, I2 का वैल्यू यहां मालूम है, अब इन दोनों को घटा लीजिए, तो इसी तरह से हमें इस ब्रांच से करंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्या करें, तो चलिए आप इसे 2-4 बार आप बनाएंगे तो खुद से भी बन जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन था, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ऐसा सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और ये किरचॉफ लॉ, एक्चुअली यह जो क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ पर है, क्योंकि किरचॉफ के दोनों नियमों का यहाँ पालन हुआ है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो आप करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ भी कहते हैं उसको, सेकंड लॉ, तो यहाँ दोनों नियमों का पालन किया गया है। और ये आपका क्वेश्चन अब लगभग रेडी है, जो बच गया वो आप खुद से भी कर सकते हैं, हमने समझा दिया है। तो अगले एक और वीडियो अब आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोशिश थी कि इसी वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर दें, तो 3-4 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसके लिए अब अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।